हेलो एवरीवन, नीलूज होम किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कभी भी हम घर पर घी बनाते हैं तो उसकी जो खुरचन निकलती है हमें समझ नहीं आता कि उससे उसका हम क्या यूज़ करें, और जब हम नहीं उसका कोई यूज़ कर पाते हैं तो उसको यूं ही बेकार हम फेंक देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, उसको देखने के बाद आप कभी भी खुरचन को फेंकेंगे नहीं और ये मिठाई आप ज़रूर बनाएंगे। तो ये मिठाई जो है ये घर पर बहुत ही आसानी से बहुत ही झटपट बन जाती है और स्वाद में तो इतनी स्वादिष्ट होती है कि क्या ही बताऊँ। इसका नाम है मिल्क केक और ये आप बहुत ही आसानी से घर पर बना पाएंगे। तो वीडियो आपको अगर पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने घी का निकला हुआ आधा किलो के करीब मैयर ले लिया है, या खुरचन आप कह लीजिए, इसको ले लिया है। अब इसको एक कढ़ाई में हम डाल देंगे। अब इसको हमें हल्का सा चला लेना है। इसके बाद हमें इसमें एक ग्लास के करीब हमें दूध डाल देना है और इस समय अब हमें आंच को मीडियम हाई कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हमें चार इलायची को कूट करके उसका पाउडर डाल देना है। इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल भी आएगी और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें आधा कप के करीब हमें चीनी डाल देनी है। चीनी डालने के बाद चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो हमें अब मीडियम हाई फ्लेम पर दूध को भी सुखाना है और चीनी के पानी को भी सुखाना है। आप कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स बारीक काट करके डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और 5 से 7 मिनट इसको मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए हमें अच्छे से चीनी के पानी को और दूध को हमें सुखा लेना है। और बीच बीच में हमें इसको चलाते ज़रूर रहना है। धीरे धीरे देखिए इसमें घी नज़र आने लगा है और इस तरह हमें कलछी से इसको हल्का सा मैश भी कर लेना है ताकि इसमें एक स्मूथ टेक्सचर आ जाए। और देखिए धीरे धीरे हमें किनारों पर घी नज़र आने लगा है, तो बस इस स्टेज पर जब हमें किनारों पर घी नज़र आ रहा हो तो हमें इसको निकाल लेना है। अब ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसको एक थाली में अच्छे से फैला लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, एकदम लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है ये, और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, मन हो रहा है अभी मैं इसको खा लूँ। अब इसको क्या करना है कि इस थाली में हमें कलछी की हेल्प से इसको बराबर से एकदम इवनली फैला लेना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर जो हमने बारीक ड्राई फ्रूट्स काट करके रखे थे उससे इसको गार्निश कर देना है, देखिए इस तरह। और इसको अब हमें हल्का सा टैप कर देना है कलछी से ड्राई फ्रूट्स, ताकि अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। अब इसके बाद हमें इसको ठंडा होने के लिए करीब आधे घंटे के लिए रख देना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हमें इसमें जितने बड़े हमें पीसेस रखने हैं मिठाई के, उस हिसाब से हमें इसमें पीस कट कर लेने हैं। और जब हम पीस कट कर लेंगे उसके बाद हमें इसको करीब 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये खूब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अगर दोस्तों आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे बाद ये अच्छे से जो है जम चुका है, एकदम चिल हो चुका है। अब मैं आपको इसकी एक पीस काट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और कितना ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। तो ये लीजिए, हमारा डिलीशियस मिल्क केक बनकर के तैयार हो चुका है। तो इसे आप ज़रूर बना कर के ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए घर पर बना करके ये मिल्क केक।
पूरी फैमिली के साथ आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, बाय।